इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्बन डेटिंग की। तो अगर कार्बन डेटिंग की बात करें तो एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम पुरानी से पुरानी चीजों की एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज आखिर कितनी पुरानी है, हमारे एनवायरनमेंट में मिलने वाली कोई भी चीज आखिर कितनी पुरानी है, इसका कैलकुलेशन इस मेथड के जरिए किया जा सकता है। स्पेशली हम इस मेथड का यूज करते हैं पुराने फॉसिल्स की एज पता लगाने में, या फिर माउंटेन्स, या फिर कोई भी चीज जो धरती की लेयर्स के अंदर दफन हो चुकी है और सालों के बाद किसी खुदाई की प्रोसेस में हमें बाहर मिलती है और हम पता लगा पाते हैं कि आखिर ये कितनी पुरानी है, तो सिर्फ इसी मेथड के जरिए। इस मेथड को डेवलप किया था 1940 में लिबी साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में काम करते समय। इसके लिए उन्हें 1960 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अगर हम इस मेथड की बात करें तो चाहे मिस्र की ममीज हो या इंडिया की कुरुक्षेत्र के अंदर मिले महाभारत के कुछ सबूत हो, इन सब की एज का कैलकुलेशन हम कैसे कर पाते हैं कार्बन डेटिंग के जरिए। तो आज हम जानेंगे आखिर कार्बन डेटिंग है क्या, तो देखते हैं। तो देखिए, कार्बन डेटिंग एक मेथड है डिटेक्शन ऑफ एज ऑफ ओल्ड फॉसिल्स। एनवायरमेंट के अंदर कार्बन काफी सफिशियंटली पाया जाता है, काफी सारे मैटर्स में हमको कार्बन देखने को मिलता है। ये कार्बन हमारे इस पूरे एनवायरमेंट में, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में दो फॉर्म्स में मिलता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कार्बन हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में दो फॉर्म्स में मिलता है। एक होता है C12 और एक है C14। दोनों के एटॉमिक नंबर बराबर हैं, लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग हैं। इसका मतलब ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो ये कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, C12 और C14। हम जानते हैं कि नॉर्मल कार्बन जिसे हम समझते हैं कार्बन एलिमेंट, वो यही होता है 6C12। तो सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो भी यही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कार्बन का एक और फॉर्म भी हमारे यूनिवर्स में मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, दैट इज C14। इन सब चीजों का क्या रोल आता है कार्बन डेटिंग में? सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें से जो C14 है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो 6C14 है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। ये हमारे यूनिवर्स में प्योर एलिमेंट के फॉर्म में ना मिलकर CO2 से हमारा आमना सामना होता है, यानी हम C12 और C14 की जगह किससे मिलते हैं, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड C12 से भी बन सकता है, C14 से भी बन सकता है, ये आपको याद रखना है। दोनों, हमें खाली यही नहीं सोच के चलना है कि C12 ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन का आइसोटोप C14 भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर कुछ परसेंट आपका C14 का है, बाकी किसका है, C12 का है। वो बात अलग है, CO2 का फॉर्मेशन मोस्टली C12 ही करेंगे, लेकिन जो C14 है इसके भी CO2 के अंश आपको हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाएंगे। इस CO2 को हमारे प्लांट्स रिसीव करते हैं, तो जब प्लांट्स से वो कहां पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। अब ये CO2 लगातार एक्सचेंज हो रही होती है, जब तक हम जिंदा होते हैं ये CO2 लगातार एनवायरमेंट में हम एक्सचेंज करते रहते हैं। लेकिन जब हम डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उस केस में आपका जो एक्सचेंज की प्रोसेस होती है इस CO2 के, वो रुक जाती है। तो अब जो रिमेनिंग CO2 शरीर के अंदर बच गई, उस डेड सब्सटेंस के अंदर बच गई, वो आपका डीके होना शुरू होती है। अब कौन सी वाली कार्बन का डीके स्टार्ट होगा, जो रेडियो एक्टिव था, यानी कि जो CO2 आपका कार्बन 14 से बनी थी, उसका होने लगता है डीके। अब प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई कि जो कार्बन 14 है इसका डीके होता है 5730 ईयर्स में हाफ, यानी कि जो C14 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है, 5730। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हमारे एनवायरमेंट में आपका C12 कितना है और C14 कितना है, इनका रेशियो। अब अगर प्रेजेंट रेशियो की बात करें तो ट्रिलियंस में एक आध हमको देखने को मिलते हैं C14। अगर ट्रिलियंस का सैंपल है तो उसके अंदर से एक आध हमको C14 देखने को मिल जाएंगे। तो उसी रेशियो में प्लांट्स भी रिसीव करेंगे और सेम रेशियो हम तक भी पहुंचेगा। तो डेड होने के बाद भी हमारे मौजूदा शरीर में सेम रेशियो रहेगा, तो हम इनिशियल अमाउंट एंड नॉट ऑफ
C14 का पता लगा सके कि अभी के केस में जब एक्सप्लोर करेंगे उस फसल को या उस सैंपल को तो हमको पता लगेगा अभी कितना C14 का अमाउंट मौजूद है, शुरू में कितना था और अभी कितना है। हम देखेंगे कि हाफ लाइफ कितना होता है, 5730 ईयर्स। तो एक हाफ लाइफ के बाद सब्सटेंस कितना बचा होगा, उसके बाद हम अंदाजा लगाएंगे दो हाफ लाइफ के बाद सब्सटेंस कितना बचा होगा, फिर तीन हाफ लाइफ के बाद सब्सटेंस कितना बचा होगा, उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि मौजूदा बचा हुआ सैंपल कितनी हाफ लाइफ से गुजरा है। तो उसके बिहाफ पर हम पता लगा पाएंगे कि जो भी सैंपल हमारे पास है उसकी एज कितनी है। ये तो रही पूरी प्रोसीजर की बात। अगर इससे हटकर मैं आप लोगों को बताऊं कि C14 हमारे यूनिवर्स में हमारे एनवायरमेंट में आता कैसे है, तो C14 होता है, उसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन से। हम जानते हैं नाइट्रोजन N14 ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, 78% इसका परसेंटेज होता है। अर्थ पर कॉस्मिक रेस पहुंच रही है सन से, कॉस्मिक रेस अपने साथ कई बार न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग लेकर आती है। जब वो न्यूट्रॉन इसके ऊपर पड़ते हैं, न्यूट्रॉन मतलब 0 N 1, जब उन न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डिंग हम नाइट्रोजन के ऊपर कराते हैं तो एक प्रोटॉन का आपका फॉर्मेशन होता है और साथ में बाय वन इसका वन और बाय वन एटमिक नंबर कम हो जाता है, तो यहां पर बनता है 6 और 6 एटमिक नंबर तो कार्बन का होता है लेकिन मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो 6C14 ही रहेगा। तो यहीं से आपका कार्बन का C14 आइसोटोप का फॉर्मेशन होता है। ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये यहां से CO2 में जाता है, CO2 से प्लांट्स में जाता है और प्लांट्स से एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स में इसको देखने को मिलता है। ये तो ये थी प्रोसेस पूरी कार्बन डेटिंग की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ